today we are going to discuss general organic chemistry. First of all, introduce yourself. I am Vinod Yadav as a lecturer, Department of Chemistry, SBS Chiltern Academy, Zone. Now we are going to discuss general organic chemistry. तो स्टूडेंट्स हम आज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे आपसे और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी कुछ बातें होंगी वो आईआईटी जेई एंड नीट्स के लेवल की बातें होंगी ठीक उस डेप्थ तक हम लोग जाएंगे जिस डेप्थ तक इस एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट हेडिंग जो जीओसी का फर्स्ट हेडिंग फर्स्ट पार्ट है इसके हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन ओके टाइप्स ऑफ कार्बन इन एल्केन ओके टाइप्स ऑफ कार्बन इन एल्केन हम इसकी बात करेंगे एल्केन में कितने टाइप्स के कार्बन होते हैं एल्कीन की बात हम नहीं करेंगे एल्काइन की बात हम नहीं करेंगे हम टाइप्स ऑफ कार्बन इन एल्केन दैट मींस ये वो कंपाउंड होंगे जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा ओके ट्राई टू अंडरस्टैंड यू डू नॉट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट नोन what is sp3 what is s what is p and now sp3 hydrogen agar hame ye pata nahi hai ki ye hybridization kya hai hum iska discuss abhi thodi der baad karenge theek to sabse pehle jo simple tarike se types of carbon in alkene mein kitne type ke carbon hote hain to dhyan dena types of carbon in alkene sabse pehli baat can classify types of carbon in alkene can be classified into following categories Now first heading point out करिएगा this is primary carbon now primary carbon you also say this is 1 degree carbon okay इसको 1 degree भी कार्बन कहते हैं और दूसरा आपका होगा सेकेंड आपका होगा सेकेंडरी कार्बन और इसको आप कहते हो 2 degree कार्बन क्लियर 2 degree कार्बन प्राइमरी कार्बन दिस इज 1 degree कार्बन सेकेंडरी कार्बन दिस इज 2 degree कार्बन एंड थर्ड वन इज टर्शियरी कार्बन और इसको हम कहेंगे 3 degree कार्बन और लास्ट आपका फोर्थ जो होगा बेटा ये है क्वार्टरनरी कार्बन और इसी को हम कहते हैं 4 degree कार्बन क्लियर तो ये तीन बात तो क्लियर है कि टाइप्स ऑफ कार्बन जो होते हैं वो 4 तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनमें 4 टाइप्स के कार्बन होते हैं जिनमें फर्स्ट है आपका प्राइमरी कार्बन सेकेंड है आपका सेकेंडरी कार्बन और थर्ड है आपका टर्शियरी कार्बन और फोर्थ है आपका क्वार्टरनरी कार्बन तो प्राइमरी कार्बन को 1 degree कार्बन कहते हो
सेकेंडरी को 2 डिग्री, टर्शियरी को 3 डिग्री और क्वार्टरली को 4 डिग्री का मिलता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हु इज प्राइमरी कार्बन इन द एल्केन, हु इज सेकेंडरी कार्बन इन द एल्केन, हु इज टर्शियरी कार्बन इन द एल्केन, हु इज क्वार्टरली कार्बन इन द एल्केन। कैसे हम पहचान करेंगे कि कौन सा प्राइमरी कार्बन है, कौन सा सेकेंडरी कार्बन है, कौन सा टर्शियरी कार्बन है, कौन सा क्वार्टरली कार्बन है? तो वेरी सिंपल डिफिनेशन, नोट करिएगा इसको बेटा, पेन और कलम लेकर के बैठिएगा, नोट करिए, तुरंत नोट करिए इसको, स्क्रीन शॉट लीजिए। ओके नाउ फर्स्ट हेडिंग पॉइंट आउट करिएगा प्राइमरी कार्बन। ओके प्राइमरी कार्बन बहुत सिंपल डेफिनेशन है प्राइमरी कार्बन का। प्राइमरी कार्बन which is directly bonded by one carbon or ya no carbon. Okay, which is directly bonded by one carbon or no carbon, this is the primary carbon. Now some examples, ध्यान से बात को समझिएगा। ये कह रहा है कि वह carbon primary होगा जो या तो किसी एक carbon से जुड़ा हो या तो किसी carbon से न जुड़ा हो, clear है? तो वो primary carbon, जैसे आप समझिएगा, जैसे आप देखिए ये आपका CH4 है और आप लोग नाइन्थ से पढ़ते आ रहे सी एच फोर, इसको कहते हो आप मीथेन, क्लियर है? ये आपका मीथेन, क्योंकि ये कार्बन किसी और कार्बन से नहीं जुड़ा है, द कार्बन विच इज डायरेक्टली बाउंडेड बाई वन कार्बन एंड नो कार्बन, या तो एक कार्बन से जुड़ा हो या तो नो कार्बन, किसी कार्बन से नहीं जुड़ा। तो दिस इज द वन डिग्री कार्बन और प्राइमरी कार्बन। ओके नाउ नेक्स्ट वन इज, ध्यान देना, सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री, बेटा इसको ऐसे लिखा जाता है सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री। इसको आप लिखने का तरीका ये होता है, आपके दिमाग में बात आएगा कि इनमें तो कोई कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड नहीं है, इनमें तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड दिख रहा है, ये लगेगा आपको कार्बन, यहाँ से ये कार्बन है या हाइड्रोजन से जुड़ा है, लेकिन ऐसी बात नहीं, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़े, यू नो कार्बन है फोर वैलेंसीज, थ्री वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज सेटिस्फाइड बाय थ्री हाइड्रोजन एटम एंड लास्ट वन वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज सेटिस्फाइड बाय नेक्स्ट कार्बन एटम। ओके नाउ आप ऐसे लिख सकते हो, देखना ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब नो डाउट दिस इज द प्राइमरी कार्बन। ये कितने कार्बन से जुड़ा है, ये भी एक कार्बन से जुड़ा है, तो दिस इज द प्राइमरी कार्बन। ओके नाउ हियर दिस इज द प्राइमरी कार्बन, दिस इज द प्राइमरी कार्बन। अब किसी भी तरीके से स्पीशीज को एल्केन की लिख दी जाए, आप ये बात क्लियर है कि आप बहुत आसानी से इस चीज को बता दोगे कि कौन सा इसमें प्राइमरी कार्बन, अभी सेकेंडरी कार्बन को हम लोगों ने डिफाइन नहीं किया है, बट ऐसा लग रहा है कि सेकेंडरी कार्बन में कुछ इसी तरीके से होगा, उसका भी डिफिनेशन बहुत आसान है। अच्छा देखना, मैं एक स्पीशीज लिख रहा हूँ, इसमें आपको ये तलाश करनी है कौन कौन से प्राइमरी कार्बन है, ध्यान देना, जैसे आपका ये है बेटा सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी, हियर सी एस थ्री, हियर सी एस थ्री एंड नाउ हियर सी एस थ्री। अब इसमें देखना है कि कितने प्राइमरी कार्बन है, देखना है ये सी एस थ्री, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन भी एक ही कार्बन से जुड़ा, ये भी कार्बन एक ही, इसका मतलब ये जितने इनबॉक्स हैं, ध्यान से बात को समझिए, जितने इनबॉक्स हैं ये सभी के सभी क्या है, वन डिग्री कार्बन, एक कार्बन से जुड़ा है इसलिए वन डिग्री कार्बन।
प्राइमरी कार्बन की पहचान तो हो गया, कोई कन्फ्यूजन हो बेटा कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा, ठीक। आपके एनसीईआरटी के बुक्स में कुछ क्वेश्चन इस तरह के दिए गए और उसमें आपसे ये पुट अप किया है कि कौन सा इसमें नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ प्राइमरी, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन इन द गिवन ऑर्गेनिक स्पीसीज, कितने इसमें कार्बन हैं। तो आइए हम बात करते हैं आपसे अब सेकेंडरी कार्बन, वेरी गुड, ध्यान से बेटा समझिएगा, हाउ टू डिफाइन सेकेंडरी कार्बन, ओके। सेकेंड आपका हम बात करेंगे सेकेंडरी कार्बन, ओके। सेकेंडरी कार्बन वेरी सिंपल डेफिनेशन, जस्ट लाइक एस प्राइमरी कार्बन। नाउ द कार्बन ट्राई टू राइट इट मी, मेरे साथ आप भी लिखने की कोशिश करिए, द कार्बन विच इज डायरेक्टली bonded, okay, directly bonded by two carbon, वह कार्बन सेकेंडरी होंगे जो दो कार्बन से जुड़े हैं। एक ही बात आपको तलाशनी है, कार्बन को पकड़ लीजिए और देखिए कि दो तरफ से कहीं तो नहीं जुड़ा है वो, अगर एक तरफ से जुड़ा होगा तो प्राइमरी, और उसी कार्बन को दो तरफ से देखिएगा दोनों तरफ से कार्बन कार्बन से, इसका मतलब वो सेकेंडरी होगा। अंडरस्टूड, जरा ध्यान देना, जैसे हमने ये लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। आपसे पूछा कि इसमें कौन सा सेकेंडरी कार्बन है, आप एक कार्बन को पकड़ लो, इसको हमने पकड़ लिया, ये कितने कार्बन से जुड़े, ये तो एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये नहीं हो सकता भाई, ये प्राइमरी होगा क्योंकि एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी। आइए हम इसको पकड़ लेते हैं, इस कार्बन को पकड़ा, ये भी एक ही कार्बन से जुड़ा है, और सेकेंडरी कार्बन ये कहता है द कार्बन विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड बाय टू कार्बन, क्लियर है। इसका मतलब इस कार्बन को अगर हम पकड़े, बीच वाले कार्बन को, एक इधर से भी कार्बन से जुड़ा है और एक इधर से भी कार्बन से जुड़ा है, तो नो डाउट दिस इज द सेकेंडरी कार्बन। और ये कौन सा कार्बन है, ये एक से जुड़ा है इसलिए प्राइमरी कार्बन है, और ये कौन सा बेटा कार्बन है, दिस इज द प्राइमरी कार्बन, वेरी सिंपल। अब एक ऐसा क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, आपसे पूछता हूँ, आप बताइएगा कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी कार्बन। नाउ हियर CH3, हियर CH एंड देन CH3, हियर CH2 एंड देन CH2, हियर CH3। आइडेंटिफाई द सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन कौन कौन से हैं, कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करोगे, तो सेम कंडीशन, सेम रूल्स, सेम प्रोसेस, हाउ टू आइडेंटिफाई सेकेंडरी कार्बन, ध्यान दीजिएगा, ये मेथिल ग्रुप सिंगल कार्बन से जुड़ा, दिस इज द प्राइमरी, ओके प्राइमरी कार्बन। नाउ हियर दिस मेथिल ग्रुप इज आल्सो डायरेक्टली बॉन्डेड विथ वन कार्बन, दिस इज द प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन। आइए ये देखिए, ये कार्बन, ये भी आपका प्राइमरी कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन। अच्छा, इस कार्बन को अगर हम पॉइंट बात करें, जरा ध्यान देना, इस कार्बन की हम बात करते हैं, ये कार्बन एक इधर से जुड़ा है दूसरे वाले मेथिल ग्रुप से जुड़ा है, और एक इधर से जुड़ा, इसको कहते हैं मिथाइलिन ग्रुप, कहते हैं मिथाइलिन, मेथिल मिथाइलिन, कर छोड़िए मिथिल मिथाइलिन, ये बात की बातें हैं, ये इसकी बात हम यहाँ नहीं करते हैं। तो एक ये इधर से कार्बन से जुड़ा है, एक ये इधर से कार्बन से जुड़ा है, तो नो डाउट बिल्कुल क्लियर है कि ये सेकेंडरी कार्बन होगा। इसकी बात करें तो मुझे लग रहा है कि ये भी सेकेंडरी कार्बन होगा, क्योंकि ये कार्बन एक इधर से जुड़ा है, एक इधर से, हमें बस वही देखना है कि पूछिए कि ये कौन सा कार्बन है, तो पकड़ लो इस कार्बन को, पकड़ लो इस सेंटर को, और देखो ये कितनी तरफ से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 2 3 ऐसा लग रहा है कि टर्शियरी कार्बन होना चाहिए, वेरी गुड, टर्शियरी है, बिल्कुल क्लियर है।
तो सेकेंडरी कार्बन की पहचान प्राइमरी और सेकेंडरी की पहचान है। ओके अच्छा इसका मैं ऐसे बना दूं, ध्यान देना, देखिए अब आपसे अगर ये पूछे इनमें कितने सेकेंडरी कार्बन है और कितने प्राइमरी कार्बन है, ऐसे बना दिया बेटा कि ये समझना कि यहाँ जो ये जितने कार्बनर हैं ये कार्बनर किसके हैं, ये कार्बनर कार्बन के हैं। सीधी सी बात है कि ये कार्बनर जितने हैं वो कार्बन के, और ऐसे अगर बना दिया जाए तो इसका मतलब है कि यहाँ भी एक मिथिल ग्रुप है और एक मिथिल ग्रुप यहाँ है, एक मिथिल ग्रुप है, क्लियर है। ये स्केलेटल फॉर्म होता है, ये आपको आईबीएससी में पढ़ाया जाएगा, ठीक, या आईबीएससी में आप पढ़े हो तो ध्यान देना। इसका मतलब है यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ये अगर कार्बन है इसकी दो वैलेंसी कार्बन की एकदम बिल्कुल आपको सोचना है, कार्बन की वैलेंसी फोर होता है, फोर एटम से सेटिस्फाई होगा, अगर उसमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो फोर एटम से सेटिस्फाई होगा। तो एक तो कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, ये कार्बन दो कार्बन से सेटिस्फाई है, अभी इसमें कुछ बचे हुए दो हैं, इसका मतलब बेटा ये दो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई है। यहाँ देखना ये कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, इससे तो सेटिस्फाई है लेकिन अभी एक बच रहा है, इसका मतलब ये क्या है, हाइड्रोजन। ये जोड़ने का तरीका होता है कि जितने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, ये समझ लिया जाता है, मान लिया जाता है कि हाँ हाइड्रोजन होंगे, क्लियर है। तो चलिए हम इसकी बात नहीं करते हैं यहाँ, हम इस बात को इतना तो हम समझते ही हैं, ठीक। हाँ तो देखिएगा ये कार्बन कितने कार्बन सुना है, एक दो, इसका मतलब दिस इज द सेकेंडरी कार्बन, ये कौन सा है, दिस इज द सेकेंडरी कार्बन, ये कौन सा है, दिस इज द सेकेंडरी कार्बन, बात तो क्लियर हो गया। हमें जिस भी पॉइंट के कार्बन को पता करना है ये देखना है कि कितने कार्बन से जुड़े हैं, क्लियर। अच्छा इस कार्बन की हम बात करें, ये वाले कार्बन की, ये वाला, अभी इसकी बात हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी इसके डेफिनेशन को हमने नहीं पढ़ा है। तो ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन होगा, ये कार्बन यहाँ कार्बन है, ये कहीं कार्बन से यहाँ वाले कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, इसका मतलब दिस इज द प्राइमरी कार्बन, सेम कंडीशन यहाँ की है, ये भी प्राइमरी कार्बन, क्लियर, और ये भी प्राइमरी, इसका मतलब नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन 3, नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन 3, क्लियर बेटा। चलो ये सेकेंडरी कार्बन की पहचान होगी, हम जिस कार्बन को हमें सेकेंडरी देखना है उसको हम देख लेंगे क्या वो दो कार्बन से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े, अगर वो दो कार्बन से जुड़े होंगे तो नो डाउट वो सेकेंडरी ही, सोचना ही नहीं, क्लियर। आइए हम टर्शियरी कार्बन की बात करते हैं, ओके, लास्ट वन, थर्ड वन इज टर्शियरी कार्बन, नोट कर लिया होगा, साथ साथ नोट करते रहिए, नोट्स बनाते रहिएगा, थर्ड हेडिंग पॉइंट आउट करिए, टर्शियरी कार्बन, हाँ बेटा कौन सा टर्शियरी कार्बन, हाउ टू आइडेंटिफाई टर्शियरी कार्बन, ओके, तो टर्शियरी कार्बन विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड, द कार्बन which is directly bonded by three carbon, बिल्कुल भी है, वह कार्बन टर्शियरी होंगे जो थ्री कार्बन से जुड़े, तो देखना कैसे हम पॉइंट ऑफ करते हैं, ये देखना बेटा जैसे आपका ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH, here CH3 and single bond CH3 यह छोटी थोड़ी सी बातें बढ़ा देती है, CH2 single bond CH3। अच्छा ये देखना ये कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा,
तो नो डाउट दिस इज द प्राइमरी कार्बन. ये कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से जुड़ा है. ये भी आपको कौन सा कार्बन हुआ? प्राइमरी देख रहा है, ये CH3 है, एक कार्बन से तो जुड़ा है. ये कितने कार्बन से जुड़े? ये देखना, एक ही कार्बन से जुड़े, इधर कार्बन ही तो है. दिस इज द प्राइमरी कार्बन. अच्छा, ये कितने कार्बन से जुड़ा है? ये एक, तो इसका मतलब ये कौन सा कार्बन? सेकेंडरी कार्बन. ये कितने कार्बन से जुड़ा? देखा, 1, 2, 3 से जुड़ा है. इसका मतलब ये कौन सा कार्बन हुआ? टर्शियरी कार्बन. इसी को तो हमें तलाशना था. दिस इज द टर्शियरी कार्बन. क्लियर? ये आपका टर्शियरी. अब तो आप कर लो, जैसे मान लीजिए ऐसे भी बना दू, अभी यही बनाया था. आप सब पूछो कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्शियरी कार्बन. देखना, ये कार्बन 1, 2, 3 दिस इज द टर्शियरी कार्बन. ये भी टर्शियरी कार्बन और ये भी टर्शियरी कार्बन. क्लियर? ये दिस इज द प्राइमरी कार्बन. एंड नाउ रिमेनिंग 1, 2, 3 दिस इज द सेकेंडरी कार्बन. मतलब इसमें 3 प्राइमरी, 3 सेकेंडरी और 3 टर्शियरी कार्बन है. 1:1:1 का रेशियो. क्लियर है? तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लास्ट क्वार्टेनरी कार्बन. ओके, क्वार्टेनरी कार्बन. ट्राई टू अंडरस्टैंड सीरियसली एंड केयरफुली क्वार्टेनरी कार्बन. नाउ लास्ट हेडिंग, फोर्थ इज क्वार्टरनरी कार्बन, विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड. ध्यान से बात को समझिएगा. विच इज डायरेक्टली, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, डायरेक्टली बॉन्डेड विथ हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन? 4 कार्बन. ओके, 4 कार्बन. अगर ये 4 कार्बन से जुड़ा है तो हम ये कहते हैं कि दिस इज द क्वार्टरनरी कार्बन. ठीक, देखना बेटा ध्यान से. CH3 सिंगल बॉन्ड से, हियर CH3 एंड नाउ CH2, हियर CH2, हियर CH3 एंड देन CH3. ओके, यहाँ छोटी सी बात एक और पढ़ा दो. CH3 जरा देखना, ये कितने से जुड़े हैं? 1 से. ये कितने से जुड़े हैं? 1 से. ये कितने से जुड़े हैं? 1 कार्बन से. इसका मतलब ये तीनों कैसे कार्बन हैं? 1 डिग्री कार्बन. कोई कंफ्यूजन? नो भाई, 1, 2, 3 नो डाउट ये प्राइमरी कार्बन, क्योंकि सिंगल कार्बन से. और ये देखना, ये भी सिंगल कार्बन से जुड़ा है, ये भी सिंगल है, इसका मतलब ये भी 1 डिग्री कार्बन है. आइए जरा इसकी बात करते हैं, ये कितने कार्बन से जुड़ा है? 1, 2 इसका मतलब 2 डिग्री कार्बन है. ये कितने से जुड़ा है? ये देखना, इस कितने से जुड़ा है? 1, 2, 3 इसका मतलब ये हो गया 3 डिग्री कार्बन. ये कितने कार्बन से जुड़ा है? ये 4. 1, 2, 3, 4 दिस इज द 4 डिग्री कार्बन. पहचान मिल गई कि हाँ ये वाला 4th है. तो सीधा सीधा सिंपल सी बात आप समझ लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा एग्जाम्पल को. सिंपल से तरीके से आप इस चीज को समझ लीजिए कि प्राइमरी कार्बन वो होंगे जो सिंगल कार्बन से जुड़े होगा या किसी कार्बन से जुड़ा. तो किसी कार्बन से न जुड़ा होने का मतलब बेटा सिर्फ CH4 होता है, मीथेन. मीथेन किसी कार्बन से नहीं जुड़े, इसको आप प्राइमरी कार्बन कह सकते हैं. क्लियर? और सेकेंडरी कार्बन द कार्बन विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड बाई 2 कार्बन, जो 2 कार्बन से जुड़े. टर्शियरी कार्बन द कार्बन विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड बाई 3 कार्बन. And now last one is quaternary carbon, the carbon which is directly bonded by 4 carbon. अब pentanary carbon नहीं होता है, hexanary carbon नहीं होता है, heptanary carbon नहीं होता, सिर्फ 4, क्योंकि carbon की valency 4 होता है, 4 तक ये 4 atom से जुड़ सकते हैं. Clear? तो आइए, एक इस पर question put up किया गया था, उसी एक question को हम लोग बैठकर लेते हैं, और इसके बाद हम लोग आगे next. तो क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई
identify the ratio of primary and quaternary carbon in the given species. Okay, देखिएगा अब एक स्पीशीज दिया है इन्होंने, कहा कि इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी टाइप के कार्बन में भी पॉसिबल ये हो सकते हैं, बट इसमें उन्होंने पूछा है आइडेंटिफाई रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड क्वार्टरनरी, प्राइमरी एंड क्वार्टरनरी के रेशियो की पूछा। एग्जांपल क्या दिया है, CH3Cl सिंगल बॉन्ड CH3 पीयर CH3 एंड देन से पीयर CH3 पीयर CH3 एंड नाउ पीयर CH3 आंसर है बेटा फर्स्ट 2:6 2:6 सेकंड आंसर है 6:2 थर्ड आंसर है 1:3 और फोर्थ आंसर है 3:1 उन्होंने कि ये प्राइमरी पहले कहा है तो प्राइमरी 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्राइमरी है और क्वार्टरनरी कह रहे हैं 1, 2 क्वार्टरनरी है, इसको हमने डिवाइड कर दिया 3 से 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2 3:1 दिस इज करेक्ट ओके। तो बेटा अब इतना आप लोग रिवीजन करिएगा, इस समय रात को